हृदय परिवर्तन किया। और हमने अपनी 20 साल की नौकरी में 5-6 खंड शिक्षा अधिकारी देखे हैं, लेकिन ऐसा खंड शिक्षा अधिकारी हमने हम जैसे आदमी को बदल दिया। मैं तो पक्का लोफड़ था, बात क्लियर है, लेकिन काम के प्रति कभी हम वो नहीं किए हैं, लेकिन ऐसे हम थोड़ा धाकड़ टाइप में बोलने से, लेकिन हम परिवर्तित बहुत हो गए। तो ये हमारे खंड शिक्षा अधिकारी की देन है। और जितना मैं नज़दीक दरियाबाद में रहा हूँ, कोई आज तक रहा भी नहीं, जबकि हमेशा खंड शिक्षा अधिकारी से मैं अलग ही रहा हूँ। अब बताइए, नेता से मैंने ABRC बन गया, जब सोचे इस बात को कितना बड़ा परिवर्तन। आज ये स्थिति है कि जब ऑफिस में 10 से 5 हो जाता है, लास्ट टाइम जो चलने होता है, कुछ काम ही नहीं हुआ, कुछ काम ही नहीं हुआ। सर जी खुद कहते हैं लिखते पढ़ते। अभी जो इतनी देर तक हम लोगों ने आपस में बातचीत किया, जो शिक्षण लिया, नेतागिरी तो एक वो होती है, जब कोई गलत आपके साथ होगा तो उसका विरोध होगा, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जो सर हमारे चाहते हैं कि विद्यालय में उपस्थिति या अच्छा रन करें, विकास करें, उसमें हम लोग संपूर्ण योगदान करेंगे और आप सभी की सहयोग भी उसके साथ अपेक्षित है। और आपको भी करना है, साहब का सहयोग करना है। हमारे यहाँ जब साहब जी आए थे तो यहाँ ज्वाइन किया था हम लोग, बहुत नज़दीक ऑफिस में जानकारियाँ थी, बड़ा लफड़ा, 6 महीना में ये हो जाएगा, मार हो जाएगा, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसी में एक खंड शिक्षा अधिकारी जी का स्थानांतरण भी हो गया उसी चक्कर में, लेकिन 3 महीने में सारी समस्याओं का समाधान हो गया। अब आज चाहे डिपार्टमेंट में हो, वहाँ भी सम्मान होता है सर जी का, चाहे नेतागिरी में हो, चाहे वो गवर्नमेंट के लोग हों, भी सम्मान करते। क्यों करते हैं, ऐसा क्यों है? कुछ ना कुछ होता है तभी तो करता है ना आदमी, ऐसे कोई नहीं करता। ये तो कहने को गया नहीं सुनील त्रिपाठी बड़ा मजबूत किए हुए, ये सब नहीं होता है, सब अपने अंदर कर्ष होता है ना। चलो एक बार परिचय हो गया, दूसरी बार तो आदमी अपने आप करेगा ना। तो ये सब हमको भी करना है, अच्छे अध्यापक बनना है और अच्छी मेहनत करना है। हम लोग भी सहयोग करेंगे, आप भी सहयोग करेंगे, यही अपेक्षा है। बाकी कोई वहाँ और किसी के ऊपर आए तो कोई दंडात्मक कार्रवाई हुई तो सर हुआ, किसी कुछ नहीं हुआ तो उसी तरह से करना भी है ना। इसी के साथ सभी हमारा तो खैर स्वागत, जो हमारे मित्रगण आप सभी लोग कर रहे हैं बात अलग है, लेकिन वो स्वागत सर का ही होना चाहिए, उन्हीं की वजह से ABRC बने। कोई सिफारिश की बात नहीं है, मेरे हृदय को परिवर्तित करना ये बड़ी भारी चीज होती है। आपको हम अगर रास्ता बदल दें आपका, समझ लीजिए बहुत बड़ी बात होगी, वो बात होती है। लोग यहाँ कुछ नहीं सिफारिश, समझ लो यार ऐसा तो नहीं सिफारिश लग गया तमाम गुरबाजी को, ये सोचते ऐसा नहीं है, है ना। मेरा कहने का आशा ये, इसी के साथ अपनी बात समाप्त करें, सबको नमस्कार। देखिए ऊर्जा का विनाश नहीं होता, लोग फ्रिज में पड़े हैं जैसे, और हमें लगता है कि 7 डेज में भी होगा ऊर्जा, तो ऊर्जा का विनाश नहीं होता है, उसका रूपांतरण हो सकता है जी। जैसे उदाहरण के तौर पे सूर्य में ऊर्जा है, सूर्य सनलाइट मिलती है तो उसको आप उससे हम गर्मी एहसास करते हैं, गर्मी में चले जाते हैं, हमारा बॉडी उससे अवसर करता है। जैसे आप देखते होंगे कि ऊपर से पानी बह रहा है, उससे आप उस ऊर्जा को इस्तेमाल करके आप क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, जो भी पंचक्की अपना चलाने लगते हैं, उससे भी आप बिजली का उत्पादन करने लगते हैं। उसी प्रकार हर जगह आपको अपने टैलेंट की आवश्यकता होती है हर काम को करने में। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो, पहला कदम जैसे आपको उसमें भी सोचना चाहिए कि आप जो कदम बढ़ाने जा रहे हो निकलते समय, तो आपका कदम सही जगह पर पड़े, ऐसा आप हमेशा सोचते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो अधिक, ऐसी बात नहीं है। हर काम के पहले आपको सोच लेना चाहिए कि आपका काम आपके हित में है या नहीं, छोड़ो आप समाज के अपने हित की बात करें। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि सुनील त्रिपाठी जी के विषय में भी आपने सुना पहले और अभी भी आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, ओजस्वी है, वो बोलते हैं हर जगह माइक पर, कुछ ना कुछ बोल देते हैं, विरोध भी करते हैं मेरा, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बता दूँ लेकिन विरोध का असर तो थोड़ा बदल गया है, अलग से कर देते हैं, अंदर नहीं है तो मतलब इससे नहीं है, मतलब है कि वो जो ऊर्जा इनके पास थी, वो ऊर्जा का सदुपयोग
विद्यार्थी के पद पे रहते हुए भी और अच्छे ढंग से भी किया जा सकता है। बिल्कुल आपको बोलने आता है, आपको समझने की बनाते हो, सूचना का कलेक्शन आप करते हो, सामाजिक व्यक्ति हो आप, सब जगह से एक समन्वय बना के रखते हो, तो इस सभी के बीच में और हम सभी विद्यार्थियों का ही काम है। और वस्तुतः मेरा भी यही काम है, मेरा भी नाम समन्वयक है, आपको पता होना चाहिए, हम यो के साथ साथ समन्वयक भी है। यस सर, यस सर, मेरा भी वही काम है जो आपका काम है। तो यहाँ पे क्या है कि हम उस ऊर्जा का हम सदुपयोग करेंगे, जो आप में टैलेंट है, जो आप में गुण है, उस गुण का सदुपयोग करते हुए हम लोग अपने पूरे विकास में उन्नति के लिए अपना सर्वस्व करी 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 यस सब लोग की तरफ से जो है बैंक ग्रुप में मेंबर हैं अतीश कुमार जी, दिनेश शुक्ला जी, सरवन कुमार जी, ललित कुमार जी, इन सात आठ लोगों ने, ये श्रीकांत पाठक जी, इन लोगों ने अपना ये व्यवस्था कर दी है और लोगों की ये होना चाहिए, तो हम लोग भाई करते हैं, इसके लिए इनके लिए तालियां भी होनी चाहिए सबको।